मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्रैंक रिश्ता दी वेकर्स इंस्पायर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। और आज है डे नंबर फाइव। सो अभी जस्ट सोकर उठी हूँ और मौसम अच्छा हो रहा है। चलो आपको बाहर से मौसम दिखा देती हूँ। पहले तो मौसम कैसा है, तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है। और तो चलो थोड़ा सा लेट उठी हूँ, आज मैं 8 बज गया। मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, थोड़ा सा लंच बनाती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ना मैंने अभी मेडिसिन लिया है, ना मैंने डिटॉक्स लिया, कुछ नहीं लिया। आज थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, चलता है कभी कभी। नींद भी पूरी करनी चाहिए और अपना मेडिसिन ले लेती हूँ और डिटॉक्स ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने अपना मील नंबर 1 ले लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर मील नंबर 2। लेकिन आज मेरे पेट में ना कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। ऐसा दर्द मुझे कभी हुआ नहीं है। एक साइड पे दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ वाला शार्प सा पेन है, पता नहीं क्यों हो रहा है। थोड़ा सा ही रुके, ठीक हो तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ। 10 बज चुके हैं, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है और पेट में दर्द है तो मन भी नहीं कर रहा है। पेट में दर्द थोड़ा ठीक होता है फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, आज मैं ना ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ खा रही हूँ जो मैंने इससे पहले इस डाइट प्लान में कभी नहीं खाई थी, मतलब पीनट बटर। पीनट बटर वैसे सुना तो मैंने है कि काफ़ी हेल्दी होता है और मुझे वैसे ये स्पॉन्सर के लिए मिला था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिला है कि मैं इसका रिव्यू करूँ और मुझे ठीक लगेगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं भी करूँगी, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रेड को टोस्ट कर लिया है और उसके बाद अब मैं इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा पीनट बटर। वैसे ये अनस्वीटेंड है, मतलब मीठा नहीं है बिल्कुल भी इसमें, और पीनट बटर मीठा नहीं होता तो बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने एक स्लाइस पे तो पीनट बटर लगा दिया है। देन उसके बाद दूसरी स्लाइस लेकर जो है ये वाली, इसके ऊपर मैं हनी लगाऊंगी। और ये जो हनी है ना, ये आप इस बॉटल में देख रहे हो, ये मेरे इन-लॉज के यहाँ पे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वो लगा था, तो उसमें से निकलवाया गया हनी है, तो काफ़ी प्योर है। तो मैंने हनी डाल दिया ताकि मीठा हो जाए मेरा ये सैंडविच, या जो भी आप इसे बोलेंगे। हाथ से लगा लो, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं स्पून वगैरह लेने जाऊँगी। तो ये हो गया। देन अब इस वाली स्लाइस के ऊपर मैं लगाऊंगी बनाना, इस तरह से। बनाना तुम्हारा नहीं है, बनाना मम्मा का है, ऐसे करके। तो मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है पीनट बटर के ऊपर बनाना। देन उसके बाद मैंने दूसरा वाला जो स्लाइस है वो उसके ऊपर ऐसे रख देना है, और रखने के बाद बस बनके तैयार हो जाता है मेरा सैंडविच। और इसमें काफ़ी प्रोटीन है, मैंने सुना है कि पीनट बटर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, इसमें शुगर नहीं है तो कैलोरीज भी कम होंगी ऑब्वियसली। तो चलो इसे मैं फिनिश करती हूँ, देखती हूँ कैसा लग रहा है आज। वैसे ही रुजिता मैम कभी नहीं बोलती है पीनट बटर वगैरह खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ मैं इस डाइट को फॉलो कर रही हूँ, तो देखते हैं कि ये जो मैंने बनाया है। वैसे मैंने बहुत बार वीडियोस देखा है इसको बनते हुए, मतलब मैंने इसकी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो देखी हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं कि पीनट बटर को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये खाने में उतना बुरा नहीं है, अच्छा। तो गाइस, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, यानी कि मील नंबर 2। और चाय, क्योंकि ये मीठा है ऑलरेडी, चाय मैं थोड़ी देर के बाद पीऊँगी।
सो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, चाय भी पी ली थी, चाय आप लोगों को दिखाना भूल गई मैं, दिमाग से निकल गया चाय पीने के बाद। और अब टाइम हो चुका है मील नंबर 3 का। तो मील नंबर 3 में जब मैंने ब्रेकफास्ट में जो बनाना आधा ब्रेड में डाला था ना, तो वही बनाना बचा हुआ, तो ये बनाना मैं मील नंबर 3 में ले रही हूँ, हाफ बनाना। और वेस्ट होगा तो उससे बेटर है कि मैं ही खा लूँ। और कुछ दूसरा फ्रूट लेती तो मेरे पास सिर्फ आम रखा हुआ है और बनाना रखे हैं, तो इसीलिए मैं आज बनाना ले रही हूँ। तो अब मैं अपना बनाना फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ लंच टाइम पर। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, धूप अब नहीं होती, धूप बहुत कम होती है। पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, शादी के बाद अब मैं लखनऊ रह रही हूँ हस्बैंड के साथ में, अगर शादी के बाद भी मैं दिल्ली रह रही होती तो लाइफ कितनी चेंज होती ना। मुझे अपना फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ना पड़ता, मुझे अपने लोग नहीं छोड़ने पड़ते। हेलो एवरीवन, और टाइम हो चुका है लंच का। तो लंच में मैं क्या खा रही हूँ चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आज प्रॉपर वैसा वाला लंच नहीं है जो डेली बनता है, आज थोड़ा सा अलग है, आज नाश्ता काइंड ऑफ लंच हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खा क्या। तो रोटियाँ जिसके ऊपर घी लगी हुई है, साथ में है ये भुजिया, ये मैंने अंडे की भुजिया बनाई है। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाला है, नमक डाला है, मिर्च डाली है, और बस बना लिया है 2 अंडों का ऑमलेट। पूरे अंडे हैं, वाइट एंड येलो दोनों पार्ट है। साथ में लिया है थोड़ा सा दही, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना नमक है ना चीनी है, कुछ भी नहीं है। तो बस ये है मेरा आज का लंच। तो अब मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, टाइम हो चुका है मील नंबर 6 का। मील नंबर 5 में सिर्फ पानी लेती हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ले लिया, अदरवाइज़ पता है मैं मील नंबर 5 कब लेती हूँ, मील नंबर 5 में तब लेती हूँ जब मेरा लंच थोड़ा जल्दी हो जाता है, 1 बजे से पहले पहले लंच हो जाता है ना, उस दिन मैं मील नंबर 5 लेती हूँ, क्योंकि फिर भूख लग जाती है। और मील नंबर 6 का टाइम है, तो मील नंबर 6 में मैं कुछ नहीं खास नहीं ले रही, सिर्फ चाय ली है मैंने, खा लेती हूँ मैं। साथ में लिया है चाय के पीनट्स, ये रोस्टेड हैं, घर पे रोस्ट किए हैं, थोड़े से नमक के साथ में, और बिना कुछ डाले, मतलब कुछ भी घी भी कुछ नहीं डाले, सिर्फ नमक डाल के इनको रोस्ट कर लिया, थोड़े सॉल्टी हो जाते हैं बस। और साथ में है चाय, तो मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम पे, तब तक चीयर्स। बाहर रोटी नहीं खाई थी तुमने, रोटी और बनाना बस सोफे बैठ के खाया था। एक बार रोटी, एक बार बनाना, एक बार रोटी, एक बार बनाना, खाया था ना। गाइस, टाइम हो चुका है डिनर का, टाइम क्या हो गया, ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं। मेरा मन नहीं करता डिनर करने का, लेकिन फिर भी अब सोच के थोड़ा खा ही लेती हूँ। तो मैंने बनाए हैं आलू और परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और साथ में राइस, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये है मेरा डिनर। डिनर में मैंने ली है थोड़ी सी सब राइस, थोड़े से चिपक गए थे कुकर में, तो और साथ में है आलू और परवल की सब्ज़ी ग्रेवी वाली सॉरी गला बैठ गया। सो ये है मेरा डिनर, और मुझे भूख लगेगी तो मैं और खा लूँगी, अदरवाइज़ इतना बहुत है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं ये इससे ज़्यादा कुछ खाऊँगी। तो चलो अब अपना डिनर फिनिश करते हैं, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे, और कम से कम इतना खाना ख़त्म करने में हम 15 से 20 मिनट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। सो गाइस, मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं पूरी तरह से फुल हो गई हूँ, अब बस मन कर रहा है सो जाऊँ। वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ मैं, और क्योंकि थक जाती हूँ। और उसके बाद मॉर्निंग में जो मैंने आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाया था, उसमें मैंने कहा था पीनट बटर, एक्चुअली वो मुझे प्रमोशन के लिए मिला हुआ है, मैंने खुद से परचेज़ नहीं किया, तो मुझे वो उसकी वीडियो और उसका रिव्यू बनाना था, दैट्स वाई मैंने वो खाया है और टेस्ट किया है। तो मुझे उसको कोल्ड कॉफ़ी में डाल के उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, और जो मैंने आज सैंडविच बनाया था ना, वो बनाना और उसके साथ में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा ऑप्शन है, हम हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, डेली डेली हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो ब्रेड और पीनट बटर भी बाहर का ही है, पैकेट फूड ही है, तो वो हम डेली तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ वंस इन अ वीक हम खा सकते हैं, और एक हेल्दी ऑप्शन है आपके पास। और
तो चलो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अब मिलूंगी मैं आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और बाय।